सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक इस कविता के तत्पाणियों को सुनेंगे और शांति बनाए रखेंगे। मैं दोनों जजेस को हार्दिक स्वागत करती हूँ। निर्णायक मंडल के सदस्यों, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक एवं समस्त विद्यार्थीगण, आप सभी को अस्मि और जनीशा का सुप्रभात। आज के इस हिंदी के इंटर हाउस वाद-विवाद प्रतियोगिता में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर एक इंटर हाउस वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं। तो जनीशा, आपको क्या लगता है, दिवाली की छुट्टियों के बाद हमारे सभी प्रतिभागी अपने वाद-विवाद के साथ तैयार है? हाँ अस्मि, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम देख नहीं रही हो कि हमारे प्रतिभागियों में कितना जोश है और वे कैसे उत्साह से भरे हुए हैं? आज सभी प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो अब हम इस प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि किन किन आधारों पर हमारे प्रतिभागियों को परखा जाएगा। हमारे प्रतिभागियों को विषय से संबंधित विषय वस्तु के आधार पर देखा जाएगा, उनकी भाषाई दक्षता एवं सुसंबद्धता देखी जाएगी, उनका प्रस्तुतिकरण देखा जाएगा, उनकी तार्किक क्षमता की परीक्षा होगी एवं उन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उपयुक्त उदाहरण देने होंगे तथा तर्क की पुष्टि करनी होगी। तो अब इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए हम पहले कक्षा 6 के प्रतिभागियों को मंच पर बुलाएंगे, जो मीडिया का जनजीवन पर प्रभाव विषय पर पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले कक्षा 6A से एस्पिन हाउस के अगमजोत सिंह अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रहते हैं इससे डर के, कुछ नया करने वाले दोस्तों चलते हैं ढंग के, स्टिंग ऑपरेशन करके कर सकता है पर्दाफाश, हम सबके हाथों में है ये हथियार खास, यूं तो बहुत कुछ कर सकता है। पढ़ के देख लो विकिपीडिया, आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है यारो मीडिया। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक गण, अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अगमजोत सिंह कक्षा 6A का विद्यार्थी आपको अवगत करवाना चाहता हूँ मीडिया के सकारात्मक रूप से। मीडिया यानी मीडियम या माध्यम, मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। चाहे टेलीविजन हो या अखबार, रेडियो हो या इंटरनेट, हमारी जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमे मीडिया का प्रयोग भरोसेमंद हथियार के रूप में किया गया है। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में भी मीडिया का बड़ा योगदान था। आज भी मीडिया के सामने बड़े से बड़े राजनेता और उद्योगपति अपना सर झुकाते हैं। पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रेरित करना हो या बाल मजदूरी पर रोक लगाना हो, मीडिया की भूमिका सब में सराहनीय है। सभी विषयों के लिए टीवी पर अलग अलग चैनल हो गए हैं जिससे हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं। देश विदेश की खबरें पढ़नी हो तो अखबार उठा लीजिए, सुननी हो तो रेडियो, साथ में देखनी भी हो तो टेलीविजन, स्पोर्ट्स मैच का सीधा प्रसारण देखना हो तो स्पोर्ट्स चैनल या ज्ञान में वृद्धि करनी हो तो डिस्कवरी चैनल, ये सब मीडिया की ही तो देन है। इस तरह मैं सोचता हूँ कि मीडिया हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। धन्यवाद। बहुत अच्छी है कमजोर। जनिशा, क्या आपको भी लगता है कि मीडिया का जनजीवन पर गहरा प्रभाव है? हाँ, मुझे तो लगता है कि मीडिया का जनजीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जैसा कि कहा जाता है कि सोशल साइट आपको रखती है अपडेट, सोशल साइट कम्युनिकेशन है परफेक्ट। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मीडिया लोगों को नहीं चलाती बल्कि लोग मीडिया को चलाते हैं। तो चलो अब इसी के साथ हम आपको आपके सामने कक्षा 6C से एस्पिन हाउस की प्रवीण कौर को बुलाते हैं और देखते हैं कि उनके इस विषय पर क्या विचार है। चेहरे पर फेसबुक की रौनक,
दिन व्हाट्सएप आ रहा है, समाज से हट कर भी इंसान सोशल आ रहा है। सुप्रभात, आज मैं प्रवीण कौर कक्षा छठी सर से मीडिया का जन जीवन पर जो प्रभाव होता है उसके विपक्ष पर बोलूंगी। मीडिया का जन जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। लोग इनकी बताई गई बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार इनकी बताई गई बातें झूठ होती हैं। अब आदमी कैसे तय करे कि जो जानकारी उसे प्राप्त हो रही है वो सच है या झूठ? आजकल तो सामाजिक मीडिया ही जीवन में महत्ता देता है, यहाँ तक कि घर के बड़े भी अपने काम धंधों को छोड़कर इस पर ध्यान देते हैं। अगर बड़े ही ऐसे काम करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चे भी तो उनके जैसे अपना समय बर्बाद ही करेंगे। बच्चे ब्लूवे जैसे गेमे खेलते हैं और कई बार तो तरह तरह के कर्तव्य भी करते हैं जिससे उनकी जान चले जाती है। मीडिया वालों के टीवी चैनलों की कोई गुणवत्ता नहीं होती, बस टीआरपी की होड़ में कुछ भी जानकारी देते रहते हैं। कई बार जब इनके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं होता तो ये झूठी बातें फैला देते हैं, और कई बार तो इन झूठी बातों से किसी धर्म के लोगों को भी ठेस पहुंचती है जिससे दंगों जैसी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो मीडिया वालों के चैनलों में विज्ञापन ज्यादा होता है और कार्यक्रम कम होता है। इस सब के लिए मीडिया जिम्मेवार है, क्योंकि मीडिया को विज्ञापन से पैसा मिलता है। अपने छोटे से कार्यक्रम में भी वह बातें बढ़ा चढ़ाकर और दोबारा कहते हैं जिससे उनका कार्यक्रम और छोटा लगने लग जाता है। अब आप खुद ही तय कीजिए कि इस छोटे से कार्यक्रम में आप कितनी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। अगर देश में कोई घटना घटी हो तो मीडिया वाले घटना स्थल पे तो जाते हैं, लेकिन पीड़ित लोगों की मदद करने नहीं बल्कि उनसे पूछने, आपको कैसा लगा, क्या यह सही हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था। अगर हम सामाजिक मीडिया की बात करें तो इंटरनेट, इंस्टाग्राम और फेसबुक सब उसी के साधन हैं। आजकल हर एक राजनीति का सामाजिक मीडिया पर अकाउंट है। आजकल आदमी वो पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, तभी तो इतनी हिंसा, इतना अपराध और इतनी आत्महत्या दुनिया में बढ़ गई है। तो मीडिया सिक्के के दो पहलू जैसे है, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों होते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो हमें मीडिया की बताई गई बातों में ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। अब आपके सामने कक्षा 6C से सिद्धार्थ हाउस की कमिना वर्मा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। शक्ति का तू स्रोत है, वाणी में तेरी ओज है, लोक के इस तंत्र का तू एक महान स्तंभ है। भूल अपने स्वार्थ को तू फिर देश का निर्माण कर, मनुष्य के मन में नया फिर से तू विश्वास भर। सुप्रभात, आज मैं कंगना वर्मा कक्षा 6C की छात्रा आप सबके सामने मीडिया का जो हमारे जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताऊंगी। मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी तथा डाटा को 31 लाख लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मीडिया के कुछ आसान तरीके है रेडियो, टेलीविजन, अखबार एवं इंटरनेट मीडिया का एक अहम हिस्सा है। मीडिया हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, किंतु रुकिए, जैसे फूल के कांटे होते हैं ना, उसी प्रकार मीडिया वरदान नहीं अभिशाप भी है। मीडिया पैसे कमाने की लालच में हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। जरा बताइए, आजकल के अखबारों में आपको क्या पढ़ने को मिलता है? हमारे अखबार तो सिर्फ अपराध की खबरों से भरे रहते हैं, जबकि सकारात्मक समाचारों को तो स्थान ही नहीं मिलता। अगर मिलता भी होगा तो कोई बीच के पन्नों में, एक छोटे से कोने में। मीडिया अपराध की खबरों को भी दिखाए,
किंतु सकारात्मक समाचारों से किनारा न करे, विकास को भी दिखाए ताकि आम आदमी निराशा में न रहे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। टीवी तो इससे भी चार कदम आगे है। जरा बताइए आजकल के न्यूज चैनलों पर आपको क्या देखने को मिलता है? सुबह सुबह चाय के साथ अपना भविष्य जानिए, दिन में टीवी सीरियलों की गपशप और रात को सनसनी या क्राइम पेट्रोल। चैन से सोना है तो जाग जाइए। लगता है हमारे समाज में या तो केवल अपराध है या फिर हीरो हीरोइनों का स्कैंडल। क्या कहीं कुछ अच्छा नहीं है? सनसनी फैलाने के लिए हमारी देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया था। ऐसा ही हुआ था 26/11 को, वह दिन हम कैसे भूल सकते हैं? उस दिन बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसकी वजह से होटल में छिपे आतंकवादी इससे वाकिफ होते रहे और हमारा अधिक से अधिक नुकसान करते रहे। अगर मीडिया अपनी निहित स्वार्थों को भूलकर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमारे समाज को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मीडिया आजकल आपने देखा ही होगा कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई काम करते हैं तो आप उसे बदल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही काम पर ध्यान देने से हमारी एकाग्रता की क्षमता कम हो जाती है। सोशल मीडिया के उपयोग का असर लड़कों की तुलना में लड़कियों पर ज्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि लड़कियां ज्यादा भावुक होती है ना? मुझे ये भी पता चला है कि साइबर बुलिंग छात्राओं के साथ अधिक मात्रा में होता है। आपने देखा ही होगा कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई काम शुरू करते हैं तो आप विशेष रूप से अपनी फेसबुक प्रोफाइल की जांच करते हैं, जो वास्तव में आपके समय को बर्बाद कर देता है। अगर हाल ही के दिनों में आपने देखा ही होगा कि ब्लू मेल गेम खेलने से दुनिया भर में कितने सारे बच्चों की जाने गई है। कुछ टीवी पर आने वाले कार्यक्रम जैसे सावधान इंडिया और खतरों के खिलाड़ी कुछ बच्चों व बड़ों के मन में एक गहरा असर डालता है। जैसे सावधान इंडिया कुछ बुरे लोगों को घिनौनी हरकतें करने के लिए बढ़ावा देता है और खतरों के खिलाड़ी कुछ मासूम बच्चों को ऐसे कर्तव्य करने के लिए उकसाता है जिनकी वजह से उनकी जानें भी जा सकती हैं। अंत में मैं मीडिया के प्रति ये कहना चाहूंगी कि एक जरा सी बात को तू तूल देती है हमेशा। राष्ट्र में तू रच रही है नित नया क्यों एक बखेड़ा। जो असंगत हो उसे सेंसर करो, छपने ना पाए। कला संस्कृति की धर्म की खबरें नहीं है। हत्या पाप अपहरण या खेल फिल्मों से भरी है। पाप की प्रस्तुति बड़ी ही चटपटी है। छी घृणित है पाप की प्रस्तुति बड़ी ही चटपटी है। बहुत खूब कविता। अगले प्रतिभागी जो इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे वो हैं कक्षा 6B से सिद्धार्थ हाउस के इनेश्वर सिंह। मेरी तरफ से सारे दोस्तों को सुप्रभात और सारी अध्यापिकाओं को नमस्कार। मेरा नाम इनेश्वर सिंह खुराना है, मैं कक्षा 6B का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मीडिया ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। दुनिया के बड़े बड़े आंदोलनों से लेकर बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक समय था जब मीडिया पर पहुंच मात्र कुछ एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज मीडिया दुनिया में कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति या घटना से आपको अपडेट रखता है। जिस तरफ बढ़ता विकास हमें बहुत कुछ दे रहा है, उसी तरफ बहुत कुछ छीन भी रहा है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मीडिया के भी दो पहलू हैं। मीडिया हर बात को खींच खींच कर बताता है बड़ा। आज मैं उसके विपक्ष में हूँ खड़ा। बढ़ते चैनलों के साथ
हर एक चैनल एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन चुका है। मास मीडिया और सोशल मीडिया का सबसे बुरा असर बच्चों एवं विद्यार्थियों पर होता है, क्योंकि इनके ऊपर दिखाए गए कार्यक्रमों पर कोई रोक टोक नहीं होती। बच्चे इन प्रोग्रामों को देखकर गलत संगत में पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लू व्हेल गेम, जिसके चलते बहुत मासूम बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। टीवी पर दिखाए गए स्टंट बच्चे और युवा नकल करने की कोशिश करते हैं और बदकिस्मती से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मीडिया पर न्यूज बनाने के लिए कभी भी बिना सच्चाई जाने कुछ भी बोला जाता है, जिसमें कई बार जातियत या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस, राजनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बोलकर उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। अनजाने में ही मीडिया हमारी समाज की पतन का कारण बन चुका है। इसके भयंकर परिणामों से बचना हमारा कर्तव्य होना चाहिए और मीडिया से उत्पन्न हो रहे चीजों द्रव्यों को समूल फाड़ कर फेंक देने में ही भलाई होगी, तभी हमारे समाज का सुधार होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि देश का माहौल तो बिल्कुल ठीक होता है जनाब, लेकिन जब तक खराब नहीं होता, इन मीडिया वालों को चैन नहीं मिलता। धन्यवाद। बहुत अच्छा इंग्लिश। अब आपके सामने कक्षा 6B से मेपल हाउस की श्री शर्मा आएंगी। कहते हैं कि चेहरे पर फेसबुक की रोशनी है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है, समाज से कटकर इंसान सोशल हुआ जा रहा है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, निर्णायकगण और मेरे प्यारे से पाठियों, मेरा नाम श्री है, मैं कक्षा 6B की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने मीडिया के प्रभावों के खिलाफ प्रभाव डालने जा रही हूँ। मीडिया यानी मीडियम या माध्यम। मीडिया के कई प्रकार हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीविजन आदि। टेलीविजन का हर न्यूज चैनल आगे निकलने की होड़ में जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और वह वही लूटता है। टीआरपी की होड़ में ये लोग सही और गलत का भी फर्क भूल गए हैं। कौन सी खबर दिखानी चाहिए और कौन सी नहीं, किसी को परवाह नहीं है। इसका फायदा देशद्रोही और अवसरवादी लोग उठाते हैं। जब दिन भर का थका हारा आदमी शाम को घर जाकर टीवी के सामने यह सोचकर बैठता है कि थोड़ी दुनिया की जानकारी ली जाए, ठीक उसी समय सुपर फास्ट खबरों की ट्रेन पता नहीं कब गुजर जाती है और फिर एक अनचाही बहस शुरू हो जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। एक बात और है, हमारा देश इतना बड़ा है कि इसके किसी न किसी कोने में कोई ना कोई घटना होती रहती है, पर जब पूरे देश की खबरें मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, तो बेचारा आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे देश में बहुत सी अशांति है और बेचारा टेंशन में आ जाता है। जरा सी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर ये लोग अपने आप को हीरो साबित करने में लगे रहते हैं और देश की जनता गुमराह होती रहती है। जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। जानकारी का स्वरूप बदल कर उकसावे वाली बनाई जा सकता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। फोटो या वीडियो की एडिटिंग कर भ्रम फैला सकते हैं। गुरप्रीत राम रहीम की गिरफ्तारी वाले दिन पंचकूला में दंगे वाली घटना तो आप सबको याद ही होगी। चाहे कुछ दिनों के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन मीडिया ने राम रहीम को जिस रास्ते से लाना था वो भी बता दिया। इन सब चीजों के कारण लोग भड़कने लगे और आम आदमी डर कर घरों में छिप गए। इसलिए आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी
कि हमें मीडिया का उपयोग नियमित मात्रा में करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। अब आप सबके समक्ष कक्षा 6A से मेपल हाउस की आशी आएंगी। आज मैं नमन चौधरी कक्षा 6 सह के छात्र आप सबके सामने
एक वाद विवाद के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है मीडिया का जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव। मीडिया एक ऐसा साधन है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए नृत्य गीत व नाटक का प्रयोग करते थे जिससे वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आ गया। अब इनकी जगह प्रिंट मीडिया, फिर संचार मीडिया और अब सामाजिक मीडिया के द्वारा लोग अपनी बात सबके सामने रखते हैं। मीडिया संचार का एक बहुत आसान और मजबूत तरीका है। आजकल मीडिया के सबसे आसान तरीके हैं अखबार, टेलीविजन, रेडियो एवं इंटरनेट। मीडिया का हमारे समाज में एक बहुत अहम स्थान है। आजकल मीडिया का सबसे प्रसिद्ध साधन है टेलीविजन। टीवी में आज जितने भी मनोरंजन चैनल आते हैं उतने ही या उनसे भी ज्यादा सामाजिक समाचार चैनल आते हैं। मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। वह स्वास्थ्य वातावरण एवं अन्य जानकारी को टीवी व रेडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। मीडिया के द्वारा लोगों को अपना हुनर पूरे विश्व के सामने रखने के लिए एक अच्छा स्थान मिलता है। मीडिया के द्वारा बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है। वह टीवी पर डिस्कवरी जैसे चैनल देखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। मीडिया के द्वारा हम एक जगह बैठकर विश्व के किसी भी कोने में होने वाली दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में मेक्सिको में भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग घायल हुए और कई लोगों की जानें चली गई। अगर यह बात मीडिया हम लोगों को ना बताता तो उन लोगों का क्या होता। मीडिया ने अपना फर्ज निभाते हुए ये बात पूरे विश्व में फैलाई जिसके कारण हम लोग उन घायल पीड़ित लोगों की मदद करने वहां पहुंचे और उन्हें सही सलामत लेकर आए। जो बूढ़े बीमार लोग होते हैं जो कोई काम नहीं कर सकते वह अपना दर्द नहीं भूल पाते, अगर हम उन्हें टेलीविजन या रेडियो के सामने बिठा दे तो वह उनमें मग्न हो जाते हैं एवं अपने दर्द को भूल जाते हैं। वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना समय भी काट लेते हैं। इसके साथ साथ उनको विश्व के हर कोने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मीडिया का जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। धन्यवाद। अश्मी क्या तुम कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं जनीशा, ऐसा नहीं है। मीडिया का हमारे जीवन पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता कक्षा 7 की ओर मुड़ रही है। जनीशा, मेरा मानना है कि अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। हाँ अश्मी, मैं तुम्हारी बात से सहमत तो हूँ, पर मेरा मानना है कि हम दबाव में रहकर अनुशासन कभी नहीं सीख सकते। तो चलो देखते हैं अनुशासन के लिए दृढ़ आवश्यक है विषय पर हमारे प्रतिभागियों का क्या विचार है। अब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने कक्षा 7B से एस्पिन हाउस की आशिमा शर्मा आएंगी। अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है, अर्थात अनुशासन ही मान लक्ष्य को उपलब्धि में बदल सकते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम आशिमा शर्मा है और मैं अनुशासन के लिए दत्त आवश्यक है विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अनुशासन के लिए दत्त आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति ही अपने देश को महान बनाता है। अनुशासन से चरित्र का निर्माण होता है। हर वर्ग के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते क्या उन्हें दंड मिलना आवश्यक नहीं है? मैं अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए सेना का उदाहरण लेना चाहूंगी। सेना में नियम बहुत सख्त होते हैं और वहाँ हर चीज का समय निर्धारित होता है। सेना में छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सेना में
पहला पाठ होता है अनुशासन के पालन का और पालन न होने पर दंड का। तो क्या हमारे सेना के नियम गलत हैं? क्या हमारे सिपाही अनुशासित नहीं हैं? अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में बहुत मोल है। स्कूलों में दंड का प्रावधान होता है। ये इसलिए नहीं कि अध्यापिकाओं को हमें दंड देने में आनंद आता है, अपितु ये इसलिए है ताकि बच्चे सही राह पर चले, चरित्रवान बने और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो मैं अपने विपक्षी मित्रों से ये पूछना चाहूंगी कि यदि एक बच्चे को बार बार समझाने पर भी वो न माने तो क्या दंड देना आवश्यक नहीं हो जाएगा? मेरे कई विपक्षी मित्र यह कहेंगे कि दंड देने से बच्चों को बुरा लगता है और वे मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु यदि वे ये सोचे कि बड़ों को अपने बच्चों को गलत कार्य करते देख कितनी पीड़ा होती है, तो शायद वे भी अपने विचार बदल लें। और जहाँ तक रही बात मानसिक तनाव की, तो इस विषय में मेरा ये ख्याल है कि दंड देने की एक सीमा होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है, परंतु हर एक व्यक्ति को सुधरने का एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। अब आप सबके समक्ष कक्षा 7A से एस्पेन हाउस की दिव्या पांडे आएंगी। सुप्रभात, मैं दिव्या पांडे कक्षा 7A की छात्रा आज आपके सामने वाद विवाद में भाग लेने जा रही हूँ। मेरे मित्र कहते हैं कि अनुशासन के लिए दंड देना आवश्यक है, परंतु मैं उनके विरुद्ध हूँ। मेरा मानना ये है कि अनुशासन के लिए दंड देना आवश्यक नहीं है। निर्णायक मंडल, विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से निकलकर हम अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनते हैं। इसका श्रेय हमारे अभिभावकों और अध्यापकों को जाता है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष आती है कि हम बिना किसी स्थिति को चांचे परखे अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। इससे हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नकारात्मकता का कारण क्या है? अनुशासन को भंग करने पर सजा देना उचित है, यही इस नकारात्मकता का मुख्य कारण है। पढ़ाने वाले शिक्षक पुरानी पीढ़ी और पढ़ाने का तरीका भी पारंपरिक है, जबकि बच्चे आधुनिक परिवेश में रहकर उन चीजों से नफरत करते हैं। दंड का भय उन्हें और भयभीत कर देता है। आज बाल पीढ़ी इतनी जागरूक है और पहले से संवेदनशील भी, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अध्यापक या बड़ों के डांटने से बेइज्जती हो जाती है? ऐसा नहीं है। हमें अध्यापक व बड़ों द्वारा दी गई हल्की डांट के पक्ष में होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अध्यापक हो या बड़े हो, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए और उन्हें हमें मारने का कोई हक नहीं है। निर्णायक सभा शारीरिक दंड एक क्रूर सजा है, जिसके कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये बीच में पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे संविधान में भी शिक्षा के अधिकार को सजा मुक्त बचपन से ही कहा गया है। मैं दिव्या पांडे के ये दृढ़ विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भयमुक्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ आज का नागरिक देश का सभ्य व सुसंस्कृत बालक सिद्ध होगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री होमर के अनुसार बड़े से बड़े अपराधी को प्रेम अहिंसा द्वारा उसके विचारों में परिवर्तन कर एक सही मार्ग पर लाया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि सार्वजनिक स्थानों, धर्म स्थलों, दैनिक जीवन में निर्धारित नियमों का पालन करना ही अनुशासन होता है, लेकिन इन नियमों का पालन करने के लिए कठोर दंड देना आवश्यक नहीं है। मेरी इस बात से आप सब सहमत होंगे कि प्रकृति भी तो अनुशासन में चलती है, तो क्या उसे किसी प्रकार का भय दिखाया जाता है? महान लाओ त्से का कहना है कि किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है,
और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। अंत में इस विवाद को समाप्त करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शब्दों में अपने विरोधी मित्रों से इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुना ज्यादा प्रभावशाली व स्थायी होती है। धन्यवाद। अब कक्षा 7B से सिद्धार्थ हाउस की हरलीन कौर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। अनुशासन का पालन करना कर्तव्य है हर मानसर का। नियम तोड़ने पर दंडित करना इसी से होगा इसका पालन। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, निर्णायकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं हरलीन कौर कक्षा 7B की छात्रा आप सबके सामने अनुशासन के लिए दंड देना आवश्यक है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहाँ पर बैठे आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको कभी गलती करने पर दंड दिया गया है? क्या उस दंड ने आपको सुधारा या और गलतियां करने के लिए प्रेरित किया है? अगर सुधारा है तो दंड देने में बुराई ही क्या है? अनुशासन क्या है? अपने ऊपर स्वयं शासन करना तथा शासन के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही अनुशासन है। ये जीवन के लिए बेहद जरूरी है और हमें नियंत्रित किए रखता है और हमारे भविष्य को भी अच्छा बनाता है। प्रशासन, स्कूल, समाज और परिवार हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। यदि सभी जगह सब लोग अनुशासन में रहेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं होगी। नियम तोड़ने से ही अनुशासनहीनता होती है, इसके लिए तो दंड देना आवश्यक है। मैं मानती हूँ कि अनुशासन बनाए रखने में एक ओर जहाँ प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन आदि बहुत महत्व रखता है, तो वहीं दूसरी ओर दंड के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। दंड मानसिक और शारीरिक दो प्रकार के होते हैं। इसके डर के कारण एक व्यक्ति समाज, प्रशासन, स्कूल में अपनी अनुशासित जिंदगी खुशहाल जी सकता है। दंड देने से बच्चों का भविष्य अच्छा होता है और वह अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराते हैं। वह सच और झूठ में अंतर समझ जाते हैं। वह बच्चों को बड़े होकर समाज में एक अच्छी पहचान देता है और एक सफल तथा उज्जवल नागरिक भी बनाता है। मैं अपने विपक्षी मित्रों से पूछना चाहूंगी कि अगर बच्चों को दंड देने से वे सुधरते हैं तो क्या उन्हें दंड ना दिया जाए? अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है और इसकी पालना के लिए यदि दंड देना या लेना पड़े तो आगे चलकर इसका फल बहुत मीठा साबित होता है। धन्यवाद। बहुत खूब हरलीन। अब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सबके सामने 7C से सिद्धार्थ हाउस के गुरमत द्वारा आ रहे हैं। अर्थात स्वयं का स्वयं पर शासन, अपने ऊपर शासन करना तथा शासन के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही अनुशासन है। अनुशासन अपने आप में ही एक साधना है। सुप्रभात माननीय निर्णायकगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं गुरमनप्रीत आज के वाद विवाद के विषय अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुशासन व्यक्तिगत ही नहीं राष्ट्र जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अनुशासन राष्ट्र का जीवन रक्त है। सच पूछा जाए तो अनुशासन मानव सभ्यता की पहली सीढ़ी है जिसके कारण हमारा विकास हुआ है।
अनुशासन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के सारे कार्य किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सर्दी गर्मी बरसात एक निश्चित क्रम व समय से आती है। हमारे समाज में धर्म को अनुशासन का पूरक माना जाता है। बड़े बड़े शिक्षा मंत्रियों का मानना है कि अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है, पर क्या यह सही है? जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यह उचित है? दंड मनुष्य के अंदर भय पैदा करता है, जिसके कारण वह कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता और कुछ गलत कर सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अनुशासन उसे सामान्य रूप से कार्य करना सिखाता है तथा उसके गुणों का विकास करता है। अनुशासन में रहना कठिन अवश्य है, पर यह जीवन को गति देता है। जो लोग अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते, वे सदा आलसी हो जाती हैं, जिस कारण उन्हें भविष्य में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेना है। सेना में अनुशासन का कड़ाई से पालन किया जाता है और वह इसी कारण सेना का जवान चुस्त व दुरुस्त रहता है। आपने देखा ही होगा कि एक सेना का जवान एक आम आदमी से अलग सा प्रतीत होता है, पर मैं निर्णायक मंडल से पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चे एक सेना के जवान के भांति मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित होते हैं? जी नहीं। इसलिए हमें उन्हें ऐसा दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो कि उनके अनुरूप भी ना हो। प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन में हिदायत देकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, किंतु फिर भी वह अपनी गलतियों को दोहराता है तो उसे दंड देने से पहले यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि क्या वह दोषी सचमुच दंड का अधिकारी है, और फिर सोचना चाहिए। एक बार मेरी बात पर गौर फरमाइएगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुना। अब कक्षा 7B से मेपल हाउस की अवनीत कौर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं अवनीत कौर कक्षा 7B की छात्रा मेपल हाउस की ओर से अनुशासन के लिए दंड अनिवार्य है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनुशासन अर्थात नियमबद्ध होकर कार्य करना। अनुशासन ही व्यक्ति को अगर नियम पालन सिखाने के लिए शक्ति बरती जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमारे घर में कोई बड़ा या हमारे अध्यापक हमें हमारी गलती के लिए दंड देते हैं तो इसका ये कतई नहीं है कि उन्हें इसमें आनंद आता है। वे हमें इसलिए दंड देते हैं ताकि हम अपनी गलती सुधारें। सड़कों पर आए दिन बढ़ती दुर्घटनाएं अनुशासनहीनता का ही परिणाम है। लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा या थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। ऐसी विचारधारा वाले लोग ही देश भ्रमित होकर अपराधों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें सुधारने व सही मार्ग पर लाने के लिए क्या दंड देना आवश्यक नहीं? अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। दंड ना देने से कोई भी अनुशासित नहीं हो सकता। अनुशासन के लिए दंड देना अनिवार्य है क्योंकि इससे हमारे मन में भय पैदा होता है जो हमें गलत कार्य करने से रोकता है। तो मैं आप सबने प्रद्युमन हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा। हम जब भी समाचार पत्र खोलते हैं तो स्त्रियों एवं बच्चों के शोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं अपने विपक्षी मित्रों से पूछना चाहूंगी कि क्या हमें ऐसे लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए जो ऐसे कुकृत्यों को अंजाम देते हैं? क्या हम बिना सख्त दंड दिए समाज में अनुशासन बनाए रख सकते हैं? हमारे देश की सेना अनुशासन प्रिय होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ हर कार्य का समय निर्धारित होता है और अगर कोई भी कार्य समय पर ना हो तो उसके अनुरूप दंड दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे सेना के नियम गलत हैं? क्या हम बिना कठोरता के उन्हें एक अच्छा और जाबाज सैनिक बना सकते हैं? गुरुकुलों में भी बच्चों को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था।
परिणाम स्वरूप वे बुद्धिमान और विद्वान बच्चों को तैयार करते थे। सोना जो एक बहुत कीमती धातु है उसे भी खरा होने के लिए बहुत बारी आग में तपना पड़ता है। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी राय को व्यक्त करती हूँ कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड अनिवार्य है। धन्यवाद। बहुत अच्छे अम्मी। अब कक्षा 7C से जगमीत कौर इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक गण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं जगमीत आप सबके सामने विषय अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड देना अनिवार्य है के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, पर मैं आप सब से पूछती हूँ कि क्या किसी मनुष्य को दंड के भय से अनुशासित रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दंड का भय केवल एक मनुष्य में सच्चाई छुपाना, बहाने बनाना और ऐसे कई अनैतिक कार्यों का मार्गदर्शन करवाता है। अनुशासन का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, पर अगर इसे पूरे मन से किया जाए तो और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। प्यार से समझा बुझाकर, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर भी तो अनुशासन का पालन करवाया जा सकता है। सही गलत अच्छे बुरे में फर्क भी यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाता है। लोग इसके लिए सेना का उदाहरण लेते हैं कि वहाँ का नियमित और अनुशासित जीवन कितना सराहनीय होता है, पर निर्णायक मंडल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस क्या आप इस बात से अनजान है कि वहाँ के इन्हीं सख्त नियमों के चलते कई युवा उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहते और कई युवा तो जाकर भी भाग उठते हैं। मेरा ये मानना है कि कई दफा नियम पालन करवाने के लिए थोड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है, पर इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। कड़े दंड चाहे शारीरिक हो या मानसिक, इंसान अपने मस्तिष्क पर दोनों परिस्थितियों में समान तरह का प्रभाव डालता है। प्यार से तो जग जीता जा सकता है, तो क्या किसी को अनुशासित रहना नहीं सिखाया जा सकता? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड अनिवार्य नहीं है। धन्यवाद। बहुत खूब जल्दी। अब हम कक्षा 7C से ओक हाउस की दो मथारों को बुलाना चाहेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सर्वाध्यापक और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं नूर कक्षा 7वीं की छात्रा अनुशासन के दंड अनिवार्य है विषय के पक्ष में आप सबके सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि अनुशासन के दंड आवश्यक नहीं है, वे क्या वे लोग अपनी बात को मानते हैं? क्या वे क्रोधित नहीं होते जब कोई बार बार एक ही गलती दोहराता है? हो सकता है लेकिन हर बार नहीं। क्या किसी को गलत काम करने पर दंड नहीं देना चाहिए? अनुशासन के लिए दंड अनिवार्य है। दंड मनुष्य में भय उत्पन्न करता है, भय उसे गलत कार्य करने से रोकता है। अनुशासन का पालन अनिवार्य है। अनुशासन हमें समय के अनुरूप कार्य करना सिखाता है और हमारे गुणों का विकास करता है। यह सच है कि अनुशासन युक्त जीवन जीना थोड़ा सा कठिन लगता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भय बिन होए न प्रीति, यानी डर या दंड के बिना किसी को भी सुधारा नहीं जा सकता। निर्णायक, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप अनुशासन युक्त जीवन जीना नहीं चाहते? अनुशासित ना होने से हम आलसी हो जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अनुशासन पालन देखना हो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेना है। वहाँ नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है।
अनुशासन भंग किए जाने पर दंड देने का प्रावधान भी है। इस तरह से सेना के जवान सदैव चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। उनके सम्मुख आम आदमी अलग सा प्रतीत होता है। क्या आपको उनके रहने का ढंग पसंद नहीं आता? परंतु यह बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि बच्चे सेना के जवानों के भांति शारीरिक एवं मानसिक रूप से दृढ़ नहीं होते। उन्हें अनुशासन में रखने के लिए ऐसे दंड दिए जाए जो उनके मन और शरीर के लिए अनुरूप हो। अनुशासन में ना रहने के लिए सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उन सब लोगों को दंडित करना चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करते और यह समझते हैं कि नियम तोड़ने पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दंड और अनुशासन एक ही सिक्के के पहलू हैं। यदि दंड का भय ना हो तो शायद अनुशासन ही ना हो। इसलिए अनुशासन के लिए दंड अनिवार्य है। धन्यवाद। अब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आएंगी कक्षा 7B से ओक हाउस की इनायत शर्मा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायकगण और अध्यापकगण। आज मैं इनायत शर्मा आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आज का हमारा विषय है अनुशासन के लिए दंड आवश्यक है। पर मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अनुशासन का हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ नियमों और कायदों के साथ जीना ही अनुशासन है। लेकिन क्या इन नियमों का पालन ना करने वालों को दंड देना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूँ कि अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए अगर हम अनुशासन का पालन करें तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी काफी आसानी से चलती है। पर इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड ना केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से तोड़ के रख देती है। तो अनुशासन के लिए दंड देना इतना अनिवार्य नहीं है। तो मैं निर्णायक गणों से पूछना चाहूंगी कि क्या गलती करने वाले को प्यार से समझाया नहीं जा सकता? क्या उसे नैतिकता और अनैतिकता के बीच का अंतर नहीं समझाया जा सकता? क्या उसे प्यार से सही राह पे नहीं लाया जा सकता? अनुशासन का पालन ना करने पर बार बार दंडित होने पर बच्चे तो क्या बड़ों के मन से भी दंड का भय निकल जाता है और वह एक गलती को बार बार दोहराने में हिचकिचाते भी नहीं है। मैं जेल का उदाहरण लेना चाहूंगी कि जब एक व्यक्ति को छोटे अपराध के लिए पहली बार जेल भेजा जाता है तो वहां पे वह बड़े अपराध करने वाले अपराधियों के साथ रहता है और उनसे बड़े अपराध करने सीखता है और जब वह बाहर आता है तो वह समाज के लिए और घातक हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या दंड ने उसे सुधारा या फिर दंड ने उसे और अपराध करने के लिए प्रेरित किया? मैं मानती हूँ कि अनुशासन के बिना कोई भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। पर क्या हमें दंडे के दम से किसी के मन को अनुशासित करना चाहिए? अनुशासन तो अंतर मन से होता है। हम सबको पता है कि प्रकृति से बड़ा कोई भी अनुशासित नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रकृति किस दंड के भय से अनुशासन में रहती है? अंत में यही कहना चाहूंगी कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसके लिए सचेतता की जरूरत है, ना कि दंड के भय। धन्यवाद। बहुत अच्छे इनायत। जनिशा, अनुशासन के लिए दंड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अश्मी, एक वाक्य में कहूँ तो बहुत ज्यादा गुड़ खाने के बाद थोड़ी नमकीन की चाहत तो होती है ना? क्या जनिशा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तुम बोलना क्या चाहती हो? अश्मी, अब तो तुम जान ही गई ना कि अपने भावों को हम भाषा के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ जनिशा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब कक्षा 8 के प्रतिभागी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए विषय पर पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
सबसे पहले आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कक्षा 8B से एस्पिन हाउस के अनंत वर्मा। नमस्कार, मैं अनंत वर्मा आज की इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का एक प्रतियोगी। इस विषय पर कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मैं संपूर्ण रूप से इस विषय के पक्ष में हूँ। मैं तो क्या 75% भारतवासियों का भी यही मानना है कि हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा रहना चाहिए। पूरे विश्व में जब कोई बालक पहली बार बोलना सीखता है तो उसके मुख से निकलता है माँ, मम्मी, आई, अम्मी और ना जाने माँ शब्द के कितने अन्य पर्यायवाची। भले ही यह सब शब्द अलग अलग भाषाओं के हो परंतु इन सभी शब्दों का मूल शब्द है माँ, जो हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा के शब्द मदर का भी मूल शब्द माँ ही है। पूरे विश्व में बोली जाने वाली ना जाने कितनी भाषाओं का निर्माण हिंदी व संस्कृत से हुआ है। क्या आप जानते हैं हिंदी पूरे विश्व में बोली जाने वाली पांचवी सबसे व्यापक भाषा है। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इन सभी भाषाओं की जन्मदात्री है हिंदी। मैं आदरणीय निर्णायक मंडल से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सर्वगुण संपन्न हिंदी भाषा यदि हमारी राष्ट्रभाषा है तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए या नहीं। 3/4 हिंदुस्तान गाँव में बसता है और तकरीबन सभी गाँव में हिंदी बोली तथा समझी जाती है। हिंदी को सर्वोपरि कहकर मैं किसी भी अन्य भाषा को नीचे नहीं दिखाना चाहता। मैं बस यही कह रहा हूँ कि हिंदी के अलावा कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। बच्चे विद्यालय में अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना आए यदि उन्हें भविष्य में विदेश जाना पड़े या बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करनी पड़े तो वह भविष्य अज्ञानता के कारण पीछे ना रह जाए। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हम अपनी राष्ट्रभाषा ही एक विदेशी भाषा को बना लें जिसने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अब आप बताइए कि यदि आपको आपके पिताजी या दादाजी कोई ऐसी अनमोल वस्तु देते हैं जो उन्हें उनके पिताजी या दादाजी से मिली थी तो क्या आप उसे संभाल कर नहीं रखेंगे, उसके रखरखाव का ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसी वस्तुएं जो पीढ़ियों से हम तक चली आ रही हैं हमारी विरासत कहलाती हैं। हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत भाषा से निकली यह पवित्र हिंदी भाषा हमारी विरासत ही है। सदियों से हम इसे बोलते चले आ रहे हैं तो इसे संभाल कर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी भाषा का स्थान किसी अन्य भाषा को देना सरासर गलत है। आप सभी को यह बात अच्छे से ज्ञात होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव के प्रचार में नारा दिया था अब की बात ट्रंप सरकार। अब बताइए कि राष्ट्रपति हिंदी में नारा लगाए क्या यह हिंदी भाषा व भाषियों के लिए गौरवमयी बात नहीं है। हिंदी की वैज्ञानिकता व प्रमाणिकता से प्रभावित होकर विदेशी लोगों में भी इसे सीखने का जुनून दिखता है। तो क्या यहाँ बैठे आप सबको यह नहीं लगता कि हमें यह विषय उठाना ही नहीं चाहिए था कि अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि मेरे विपक्षी मित्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही आपको अच्छी नौकरी नहीं दिलाता बल्कि अपने विषय का ज्ञान, आत्मविश्वास और योग्यता ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मेरे मित्र कहते हैं कि अंग्रेजी विकास की भाषा है। वे किस विकास की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा से आता है? क्या वह चिकित्सा क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, तकनीकी विकास की बात कर रहे हैं या अंतरिक्ष विज्ञान विकास की बात कर रहे हैं? तो मैं बता दूं हमारे भारत देश ने 5000 साल पहले ही इन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण विकास कर लिया था। वायुयान का निर्माण 150 साल पहले राय ब्रदर्स ने किया था, यह बात तो आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। लेकिन रामायण के समय में प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अयोध्या गए थे, क्या वह वायुयान नहीं था? विश्व प्रसिद्ध हबल टेलीस्कोप द्वारा हमारे आज के अंग्रेजी वैज्ञानिक नित नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं।
परंतु हमारे भारतीय खगोल शास्त्रियों व वैज्ञानिकों ने इन सभी ग्रहों की खोज हजारों सालों पहले ही कर ली थी। ऐसे कुछ महान खगोल शास्त्रियों व वैज्ञानिकों के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे वारामिहिर, वाण भट्ट, वाघ भट्ट और शून्य की खोज करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। कितने कितने नाम गिना हो अब मैं। हनुमान चालीसा आप सबने सुना होगा, उसकी एक चौपाई मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर भल जानू। शायद आपको पता चल गया होगा कि मैंने यह चौपाई क्यों कही। इस चौपाई में पृथ्वी से सूर्य तक का फासला छिपा है, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों व खगोल शास्त्री ने हजारों सालों पहले ही जान लिया था, लेकिन इन अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने कुछ 1672 में जाना था। क्या यह अंतरिक्ष विज्ञान नहीं है? आज मैं बात करना चाहूंगा चिकित्सा क्षेत्र की। डेंगू, कैंसर और ना जाने कितनी जानलेवा बीमारियों के दवाइयां वो वैक्सीन ढूंढते और बनाते हुए इन अंग्रेजी डॉक्टरों व वैज्ञानिकों ने सालों के साल लाखों करोड़ों रुपए, डॉलर, पाउंड और ना जाने कितने पैसे खर्च करके तब शायद कोई इनसे ढंग की वैक्सीन या दवा बनती होगी। लेकिन हजारों सालों पहले लिखे गए आयुर्वेद में इन सभी दवाइयों को बनाने की विधि लिखी है, और भगवान जाने ऐसी और कितनी जानलेवा बीमारियां हैं जिनके बारे में इन अंग्रेजी वैज्ञानिकों व डॉक्टरों ने सुना भी नहीं है, और उनकी दवा बनाने की विधि हमारे पुराने ग्रंथों व आयुर्वेद में लिखी है। मेरे मित्र पता नहीं किस विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे थे कि अंग्रेजी विकास की भाषा है। मुझे तो लगता है कि वे मानसिक तौर से अंग्रेजी के गुलाम है। यदि चीन व जापान अपनी भाषा में इतनी तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं अपने पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़े होकर कहता हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी और रहेगी, और भारत के संपूर्ण विकास का स्वप्न हिंदी में ही पूरा होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी आवाज। अब आप सबके समक्ष कक्षा 8A से एस्पेन हाउस की मेहती कौर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। हर एक मनुष्य के पास अपनी भाषा होती है। माँ के दूध के स्वाद के साथ ही हमारे काम में भाषा की मिश्री भी घुलती है, तब हम कुछ बोलने में समर्थ हो पाते हैं। भाषा के बल पर हमें दूसरे के साथ अपनी भावनाएं, जानकारियां, विचार, बातें साझा कर पाते हैं। सुप्रभात, मैं मेहती कक्षा 8वीं A की छात्रा आज आपके सामने अपनी राष्ट्रभाषा के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी में सभी को एक सूत्र में बांटने का महान गुण है, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हिंदी के भीतर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ब्रज, अवधि, भोजपुरी, जयपुरी, गढ़वाली आदि की मधुर ध्वनियां हिंदी की प्राण भाषा है, तो वहीं पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसी भाषाओं का स्नेह विद्यमान है और इसे सभी सरलता से समझ सकते हैं। विदेशी भाषा या किसी अन्य भाषा का ज्ञान होना बुरी बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन अपनी माँ को धुतकार कर किसी दूसरे की माँ को अपना बनाना क्या ये उचित है? किंतु ये घटना एकाएक नहीं है, इसके पीछे लंबी साजिश, सोच, अंग्रेजी पितरों की काली करतूतों की कहानी है, जिसमें हम और आप कैसे शामिल हो गए इस चाल को समझना बहुत जरूरी है। लॉर्ड मैकॉले, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का श्रेय जाता है, ने 1835 में अंग्रेजी की तरफदारी करते हुए ये तो तर्क दिया कि अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की पूंजी है, ये भारत में वैसे ही पूर्ण जागरण लाएगी जैसे इंग्लैंड में लैटिन अथवा ग्रीक ले आई थी, और जैसे पश्चिम यूरोप की भाषाओं ने रूस को सुसभ्य बनाया था। जब अंग्रेजों ने पहले पहल संस्कृत कॉलेज खोला, तब अंग्रेजी पक्षधर व समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इसकी खिलाफत की और कहा, ब्रिटिश हुकूमत की नीति इस देश को अंधकार में रखने की है। माननीय निर्णायक मंडल तब से लेकर आज तक अंग्रेजी सम्राट पर यह तर्क हमारे सामने बार बार बेबाक होकर दोहरा रहा है।
मान्यवर, अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो यह झूठ एक सच का रूप धारण कर लेता है। आज हमारे राजनेता बुद्धिजीवी अंग्रेजी को विकास और उत्थान की भाषा सिद्ध करने के लिए कदम ताल कर रहे हैं। चिकित्सीय, तकनीकी या वैज्ञानिक विकास के लिए, उत्थान के लिए भाषा की नहीं वैज्ञानिक सोच व दृष्टि की जरूरत होती है। जापान और चीन के लोग जो अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं, क्या वे अपनी राष्ट्रभाषा के साथ उन्नति नहीं कर रहे? क्या वे चिकित्सा, तकनीक या विज्ञान में किसी अंग्रेजी बोलने वाले देश से पीछे रह गए हैं? क्या मेरे विपक्षी मित्रों के पास इस बात का जवाब है? मैकॉले और राजा राममोहन राय की तरह आजकल के लोग ऐसे भारतीय पैदा कर रहे हैं जो रक्त और वर्ण से भारतीय हों, लेकिन खून, लेकिन सोच, रुचि, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों। अंग्रेजी के तरफदार इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि किसी भाषा का समाप्त होना केवल उसका समाप्त होना नहीं होता, बल्कि एक समुदाय, संस्कृति व सभ्यता का समाप्त होना होता है, क्योंकि एक भाषा के पीछे सदियों का अनुभव, मेहनत, खून, पसीना, आंसू, संघर्ष, जीवन, मृत्यु सब होता है। और क्या आप अपनी भाषाओं को, अपनी माओ को मरते हुए देख सकते हैं? शायद कभी नहीं। इसलिए भारतेंदु हरिचंद्र जी के शब्दों में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति को मूल। धन्यवाद। अब कक्षा 8B से सिद्धार्थ हाउस की जसंजन खुराना आएगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे कोसु। नमस्कार, आज मैं संजन सिद्धार्थ हाउस की तरफ से आप सबके समक्ष हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है, जिससे भारतीय काफी अच्छी तरह जुड़ सकते हैं और देश की तरक्की को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हिंदी है देश के माथे की बिंदी, आओ मिलकर सब बोले हिंदी हिंदी। आज जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वह अंग्रेजी भाषा भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, ये हमारी राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है? मैं यहाँ बैठे साथियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक विदेशी भाषा को फिर से खुद पर शासन करते देखना चाहते हैं? यकीनन नहीं। भारत में 70-80% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, अधिकतर भारतीय लोग हिंदी ही बोलते और समझते हैं, और हिंदी तो हमारी राजभाषा भी है। फिर भी हम अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों देना चाहते हैं? बोलिए दोस्तों, क्यों? क्या केवल इसलिए कि एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है? मैं निर्णायक मंडल से पूछना चाहती हूँ कि क्या केवल एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होने से अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सकता है? महात्मा गांधी के सपनों के भारत में एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा हो जाता है, और राष्ट्रभाषा का दर्जा केवल उसी भाषा को दिया जाना चाहिए जो देश के लिए संचार का साधन बन सके। उस समय स्वतंत्र भारत में हिंदी ही जन मन की भाषा थी, इसीलिए इसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कितनी विचित्र बात है कि भारत में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले केवल 5% लोग हैं, फिर भी अधिकांश लोग इस भाषा के मोह बंधन में जकड़े हुए हैं तथा अपने बालकों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वाधीन भारत का प्रत्येक नागरिक इस मोह बंधन से निकले तथा अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाए। ऐसी विशुद्ध और वैज्ञानिक भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना निराधार है। अंत में
मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहती हूँ, अंग्रेजी को नहीं। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यही मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। बहुत अच्छे थे सज्जन। अब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आएंगी कक्षा 8 ए से सिद्धार्थ हाउस की अमरजीत कौर। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल आदि। प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है, लेकिन इन दिनों अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर मुझसे कोई मेरे विचार जानना चाहे तो मैं यही कहूँगी कि अंग्रेजी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। नमस्कार जज साहिबा, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण तथा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत कौर है। मैं कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए विषय के पक्ष में हूँ। मैं दृढ़ता से समर्थन करती हूँ कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए और अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन आजकल के वैश्विक संचार का साधन अंग्रेजी है और विश्व के सभी देश अपने विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी में ही करते हैं। इसलिए अंग्रेजी कई देशों की राष्ट्रभाषा भी है, जैसे कीनिया, लिबेरिया, हांगकांग, इंग्लैंड आदि। आज के वैज्ञानिक युग में भारतीय विज्ञानी लोग अपना विज्ञान के सभी कार्यों में समर्थन दे रहे हैं। और अगर हमारे भारतीय विज्ञानी लोग अंग्रेजी न सीखें तो क्या हमारा भारत विज्ञान में आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विश्व में बातचीत और हर दूसरे काम का साधन अंग्रेजी है। और इसी के कारण भारतीय विज्ञानियों का विज्ञान में योगदान सीमित हो जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो। अंग्रेजी वैश्विक संचार, वाणिज्य और अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से तीसरे स्थान पर है। ये पूरे विश्व में से 375 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए करीब 29 लाख अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ लिख पाते हैं। आज के समाज में ये समझा जाता है कि जिसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती वे असभ्य है, वे बहुत निचले दर्जे का है, वो पिछड़ा है, और जिसे अंग्रेजी बोलनी आती है उसे सभ्य माना जाता है और बुद्धिमान माना जाता है। ये सोच तभी बदल सकती है जब हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ लिख पाए। अंग्रेजी केवल अंग्रेजों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि दुनिया के अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जिस प्रकार मेरे प्रिय सखी ने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहनी चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही रही तो क्या हमारा भारत विकास कर पाएगा? क्या हमारा भारत विज्ञान की दृष्टि से विकास कर पाएगा? क्या हमारा भारत दूसरे देशों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएगा? निर्णायकगण, मुझे नहीं लगता। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजी हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमें इसे अपनी राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी होने से भारत विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा और प्रगति और उन्नति करेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो। धन्यवाद। अब आप सबके समक्ष कक्षा 8 ए से मेपल हाउस के ऋषित शर्मा आएंगे। समाज तथा विश्व
विचारों का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके कोई समाज संपूर्ण नहीं हो सकता। भाषा बातचीत तथा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं ए का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने विषय हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। माननीय निर्णायक गण, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व है। पर यह भी सही है कि आजकल के वैज्ञानिक युग में विचारों का आदान प्रदान केवल एक शहर, राज्य तथा देश तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज दुनिया के सारे देश विश्व के एकाकरण के लिए प्रयत्नशील हैं, ताकि मानवता के उद्धार के लिए मिलकर काम करा जा सके। मेरे आदरणीय अध्यापक गण, इतिहास गवाह है कि भारत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में पूर्ण रूप से सक्षम रहा है और भारत के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया है। आजकल के वैज्ञानिक युग में भी भारत देश के लोग विज्ञान तथा विश्व के अन्य कार्यों में योगदान देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जिस तरह मेरे प्रिय मित्र ने कहा कि हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा रहना चाहिए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के कारण ये योगदान सीमित हो जाए तो क्या ही हम में से किसी को मंजूर होगा? कतई ही नहीं। इसीलिए एक ऐसी भाषा जो विश्व प्रचलित हो, जिसकी सहायता से हम अपने विचार विश्व से बांट पाए और विश्व में उपलब्ध ज्ञान अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जुटा पाए, होना जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी एक विश्व प्रचलित भाषा है और लगभग सभी देशों में मान्य है। अंग्रेजी भाषा विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अंग्रेजी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषाओं में से सर्वप्रथम स्थान पर रखा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अंग्रेजी केवल अंग्रेजों की भाषा है, बल्कि आजकल तो अंग्रेजी वैज्ञानिक युग की भाषा है। मेरे आदरणीय अध्यापक गण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन का युग है। आजकल हर काम पैसों के लेन देन से लेकर खरीदारी डिजिटल हो गई है। ऐसे में अगर तर्कों पर गौर किया जाए तो विश्व में उपलब्ध 80% डिजिटल इंफॉर्मेशन अंग्रेजी भाषा में ही है। यह अंग्रेजी भाषा का महत्व और भी बढ़ा देती है। अंग्रेजी भाषा किसी भी देश के लिए विश्व के द्वार खोल देती है। उदाहरण के तौर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को लेना चाहता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आप सबको क्या लगता है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी ना आती होती तो क्या वे शिकागो में अपना इतना प्रेरित तथा प्रभावित करने वाला भाषण दे पाते? क्या लोग उनसे प्रेरित हो पाते? कतई नहीं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या काफी कम है, पर आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2009 से लेकर 2015 तक भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या दुगनी हुई है। और तो और, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार, जिसे हम सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य मानते हैं, वहाँ पर भी अंग्रेजी सीखने वालों की संख्या 47 गुना बड़ी है। आप सबको क्या लगता है कि हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों में मान्य है? ऐसा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते समय भारत के कई राज्य, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों में कई मतभेद उत्पन्न हुए। वे अभी भी अपनी राज्य भाषा को अधिक महत्व देते हुए नजर आ रहे थे। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से ये मतभेद भी शांत हो जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, चीन, जिसे हम अपनी भाषा को सबसे अधिक महत्व देने वाला देश मानते हैं, वे भी वैश्वीकरण में अपने योगदान के लिए अंग्रेजी भाषा को अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारे दिल की भाषा है, पर अंग्रेजी पेट की। दिल, हम हिंदी से तो हमारा दिल और हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, परंतु व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो देश के विकास के लिए तथा विश्व के साथ चलने के लिए अंग्रेजी भाषा अत्यंत आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे ऋषभ। अगले प्रतिभागी जो इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे वो है कक्षा 8B से मेंबर हाउस के त्रिपद करमा।
राष्ट्रीय व्यवहार में, हर काम काज में अंग्रेजी को आगे लाना है, देश को उन्नति, विकास, एकता व आधुनिकता के पथ पर बढ़ाना है। सुप्रभात, आज मैं त्रिपत करण सिंह मेपल हाउस की तरफ से आपके समक्ष हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राष्ट्रभाषा एक देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसे संपूर्ण देश में सरकारी कार्यों व आम जनता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेरे विचार से यह स्थान ऐसी भाषा को दिया जाना चाहिए जो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ला सके, ताकि हम भी विकास की दौड़ में शामिल हो सके। भारत के लिए ऐसी भाषा आज के युग में केवल अंग्रेजी ही हो सकती है। कुछ लोग इस विचार को मानते हैं कि हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा बनाए रखना चाहिए। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाहे हमारे देश में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, और शायद इसी कारण हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा होने का दर्जा दिया गया था, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि संपूर्ण देश में हिंदी बोली और समझी जाती है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग हिंदी ना तो समझते हैं और ना ही बोलते हैं, वहां तो अंग्रेजी का ही बोलबाला दिखता है। भारत में भी इस समय अंग्रेजी की मांग बढ़ती ही जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण वैश्वीकरण है। यह भाषा विभिन्न देशों के बीच संचार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। अंतरराष्ट्रीय लेन देन के मामलों में दूसरे देशों से संपर्क करने, व्यापार करने, नौकरी करने के लिए यह एक आवश्यकता बन चुकी है। तो फिर इस भाषा को आधिकारिक रूप से अपनाने में हिचकिचाहट क्यों? अंग्रेजी, जिसे विश्व की सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है, दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है। आज के दौर में जहां विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा अंग्रेजी है, अनेक क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, बैंकिंग, अध्यापन और कंप्यूटर के लिए भी यह एक आवश्यकता बन चुकी है। भारत में जहां विभिन्न राज्यों के लोगों की अपनी अपनी भाषा है, वहीं अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बनकर उभरी है जो हमें भारत के विभिन्न राज्यों के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में आगे आई है। भूमंडलीकरण के इस दौर में भारतीयों को अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और अंग्रेजी को अपनाना चाहिए। मैं निर्णायक मंडल से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह भी ये मानते हैं कि हिंदी ही हमारा अभिमान है? तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि आज भारत में बिना अंग्रेजी जाने कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के योग्य ही नहीं माना जाता। तो क्यों ना उसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए जिसमें विचाराभिव्यक्ति आसान हो। वैसे भी आजकल हर कोई अंग्रेजी में बात करना अपनी शान समझता है। अधिकतर यही देखने में आता है कि देश के मध्य एवं निम्न मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक व आर्थिक त्याग करने को तैयार हैं। तो फिर क्या ऐसी भाषा को अपने देश की राष्ट्रभाषा बनाना अनुचित है? अब समय आ गया है कि हम हिंदी के मोहबंधन से छूटकर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाकर स्वयं को गर्वान्वित महसूस करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी किसी राज्य की खास संपत्ति नहीं, अंग्रेजी भाषा की संपत्ति है, अंग्रेजी कल्पना की संपत्ति है। अगर भारत की कोई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तो वह केवल और केवल अंग्रेजी होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब आप सबके समक्ष आएंगी कक्षा 8A से ओक हाउस की आयुषी शर्मा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सही ही कहा है, मनुष्य अपनी भाषा में ही सबसे तेज प्रगति कर सकता है, और मनुष्यता की प्रगति ही हर चीज का मूल होती है। नमस्कार, मैं आयुषी कक्षा 8वीं अंक की छात्रा ओक हाउस की तरफ से आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। मेरा विषय है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देश की तरक्की के लिए हमें अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इस बात को सही मानती हूँ कि अंग्रेजी ही वह भाषा है जिससे हम कई देशों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, परंतु भाषा वो कड़ी होती है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है।
देशवासियों में एकता की भावना पैदा करती है और हिंदी ही वो भाषा है जो एक भारतीय को भारतीय बनाती है। अंग्रेजों ने हमारे 7,32,000 गुरुकुल इसीलिए बंद करवा दिए क्योंकि वो चाहते थे कि हम अशिक्षित रहें, वे चाहते थे कि हम अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहें और उनसे अपनी मातृभाषा अपनी मातृभूमि का सवाल न करें। अंग्रेजों ने हमें गुलामी गरीबी और अशिक्षिता के सिवाय और दिया ही क्या है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि हम उनकी भाषा को अपना लें और उसे अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दें। आज की युवा पीढ़ी ये समझती है कि देश की तरक्की के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अति आवश्यक है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। जो लोग जन शब्द अंग्रेजी के बोल देते हैं उन्हें समाज में इज्जत की दृष्टि से देखा जाने लगता है, उन्हें पढ़ा लिखा महान और विद्वान समझा जाता है, उनकी इज्जत होती है। अंग्रेजी बोलना या जानना उनकी बुद्धिमत्ता का पैमाना बन जाता है। समाज के इस व्यवहार से मैं सहमत नहीं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में विज्ञान न था, परंतु हमारा आयुर्वेद उन बीमारियों का भी इलाज करता था जो जन जन्मांतर के रोग दूर कर दे। आज जिन रोगों का पता लगाने के लिए हम एक्सरे या डायग्नोसिस की मदद लेते हैं, उस समय वे नाड़ी मड़ी पकड़ कर रोग बता देते थे। क्या वे अंग्रेजी भाषा के डॉक्टर थे? नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और किसी भी क्षेत्र में स्वयं की मातृभाषा जितनी सहायक होती है उतनी किसी की उधार ली जुबान नहीं हो सकती। जिस सहजता से हम अपनी बात हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं उतनी और किसी भाषा में नहीं कर सकते। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हुए भी शिक्षिकाओं के बार बार समझाने पर भी हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी ही वो भाषा है जिससे हम अपने विचार सबसे सहज तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम चीन जापान को ले सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में हारने के बाद फिर से स्थापित होने के लिए सबसे जरूरी होती है संकल्प शक्ति और ये हमें मिलती है हमारी भाषा से। इस तरह तो चीन या जापान को भी अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा को अपना लेना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज इसीलिए वे अपनी तरक्की के शिखर पर हैं। सिंगापुर, अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी हिंदी का प्रचार है। फिजी ने तो इसे अपनी राष्ट्रभाषा बना डाला है। देखो भारतवासियों, देखो आज विदेश हिंदी अपना रहा है और हिंदुस्तान हिंदी छोड़ता जा रहा है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जो व्यक्ति हिंदी छोड़कर अंग्रेजी में काम करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। आज भारत आजाद है। हम अंग्रेजों की गुलामी से तो बाहर आ गए पर अंग्रेजों की जंजीरों से हम आज भी निकल नहीं पाए हैं। सारी दुनिया को सुनने का ज्ञान भारत ने दिया है। आर्यभट्ट, बाणभट्ट जैसे महान चिंतक हमारे देश में हुए हैं। अफ्रीका, यूरोप या न्यूजीलैंड आर्मी उसे जो ताकत दी है उसके क्या कहने। इतनी ताकत तो शायद अमेरिका, यूरोप या न्यूजीलैंड के सभ्याचारों ने भी उसे नहीं दी होगी। हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम रावण का वध कर पुष्पक विमान पर अयोध्या वापस आए थे। आज कलयुग में हजारों सालों बाद राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया है, पर ये सब तो भारत में त्रेता युग से था। भारत में हवाई जहाज का निर्माण त्रेता युग से हो चुका था। हम सब जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। मैं आप सबसे आज पूछती हूँ कि विज्ञान क्या आज तक ऐसे कोई हथियार बना पाई है? नहीं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी ही वो भाषा है जो हमें मनोबल देती है। हमारे पास हबल टेलीस्कोप नहीं था, परंतु हमारे पुराणों और वेदों में नौ नक्षत्र, सूर्य, चांद इन सबके बारे में दर्ज है। अब क्या ये उपलब्धि हमें अंग्रेजी बल पे मिली है? नहीं। पश्चिमी देशों की नकल कर हमने हाथ मिलाने की प्रथा भी सीख ली, पर क्या हम जानते हैं उससे कितनी बीमारियों और रोगाणुओं का प्रचार है? इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने नमस्कार की प्रथा बनाई थी। आज हम अपने ऋषि मुनियों की उस वैज्ञानिक दृष्टि को भुला पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं। क्या आज विज्ञान आज बताती है कि हाथ जोड़ने से हम सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं? और ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें करोड़ों साल पहले बता दिया था। अब मैं आप सबसे प्रश्न करती हूँ कि क्या ये उपलब्धि हमें अंग्रेजी बल पे मिली है? नहीं। भारतीय, अब मैं आप सबको ये भी बता दूँ कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से 14 भाषाएं हिंदी से जन्मी हैं। इतने उदाहरण देने के बाद भी
समझते हैं कि हमारी हिंदी अंग्रेजी से कम है? बिल्कुल नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी ही वह भाषा है जिसमें तुम हंसते गाते हो, हिंदी ही वह भाषा है जिसमें तुम अपने सुख दुख रचाते हो, हिंदी ही वह भाषा है जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो और हिंदी ही वह भाषा है जिसमें तुम अपने सपने रचाते हो। इसीलिए मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। धन्यवाद। आखिर में आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कक्षा 8A से ओक हाउस के अक्षर सिद्धांत। सुप्रभात, मैं अक्षर कक्षा 8वीं अ का छात्र आज आप सबके समक्ष हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए इस विषय के पक्ष पर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आधुनिक युग में हिंदुस्तान में बच्चा जन्म के समय अपनी मातृभाषा के अलावा जो दूसरी भाषा सुनता है वो है अंग्रेजी, क्योंकि आज अंग्रेजी घर घर में बोली जाने वाली भाषा का रूप ले चुकी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें किसी भी भाषा को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत जैसे देश जहां हर 100 मील पर भाषा का बदलाव होता है, वहां अंग्रेजी भाषा एक संचार भाषा का काम कर सकती है। अंग्रेजी भाषा का आगमन अंग्रेजों द्वारा हुआ था, अतः इतिहास गवाह है कि अंग्रेजी पिछले 200 वर्षों से भारत में बोली जाने वाली भाषा है। आज भारत जिस प्रगति के शिखर पर अग्रसर है, हम उसमें अंग्रेजी के योगदान को नहीं नकार सकते। बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज आदि अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हिंदुस्तान जिसकी राजभाषा बेशक हिंदी है, लेकिन उसके सरकारी दफ्तरी आदि काम काजों पर अंग्रेजी का ही आधिपत्य है। IIT, PMT जैसे बड़े रोजगार संस्थानों की परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक अंग्रेजी भाषा में होता है। हमारे देश के उच्च पदों पर आसीन नेता भी देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रभाषण में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते दिखाई देते हैं। युवा पीढ़ी आसमान को छूना चाहती है, विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है, तो यदि वे सब इसमें अंग्रेजी का आश्रय लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? भारत एक विकासशील देश है और विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए, उसे अग्रिम पंक्ति में आने के लिए अंग्रेजी की क्षमताओं को पहचानना ही होगा। अंग्रेजी भाषा एक खिड़की की तरह है जो हमें पूरी दुनिया दिखाती है, और आज मैं इस दुनिया में भारत का झंडा सबसे ऊंचा लहराते हुए देखना चाहता हूँ। अतः मेरी दृष्टि से अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना सर्वथा उचित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे अक्षर। अब मैं प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना करूंगी कि वे प्रतियोगिता व प्रतिभागियों से संबंध में दो शब्द कहें। अति खूबसूरत वाद विवाद, यही कहना चाहूंगी मैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स थे मीडिया, अनुशासन और अंग्रेजी का प्रयोग या भाषा का प्रयोग। तीनों ही टॉपिक बहुत ही डेप्थ वाले थे, और जिस हिसाब से आप बच्चों ने बोला, बीच में मुझे जाना पड़ा क्योंकि एक पेरेंट आए थे, वो अर्जेंट मिलना चाहते थे, तो मैं पूरा नहीं देख पाई, पर जितना भी मैंने देखा आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही कमाल का प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इनफैक्ट जब मैं सुन रही थी, स्पेशली अनुशासन का मैंने काफ़ी सुना, उसमें बहुत अच्छा लगा सुन के कि जब बच्चों ने कहा कि
हमें दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग ने शरारत की, आप लोग अपना स्कूल का अनुशासन तोड़ा, हम आपको उसका दंड दें या ना दें? कोई जवाब देना है? और अब दें। अच्छा, नहीं दें या दें? देखो ऐसा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि इतने सारे इकट्ठे बोलोगे हम जो बच्चे कहते हैं दें वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। और जो नहीं, आप देते वाले हैं ना, आप हाथ नीचे कीजिए। और जो कहते हैं कि नहीं दें, अब वो हाथ खड़ा कीजिए। हाथ नीचे कीजिए। अब जो बच्चे कहते हैं नहीं दें, बहुत अच्छा सोचा बच्चों, नहीं देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी सोच यही है कि अगर आप लोग खुद से अंदर से सोचें कि हमें ये काम करना ही नहीं है, ये काम गलत है, तो कितना अच्छा होगा, होगा ना? ना तो दंड मिलेगा और ना आपको कोई परेशानी होगी, और उसके साथ साथ हम लोगों को कितना इत्मीनान मिलेगा कि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कितना सोच समझ वाले हैं कि इनको ये काम करना ही नहीं है जिसमें इनको दंड मिले। सही कह रहे हैं। तो आज का लेसन क्या मिलता है हमें इस टॉपिक से? एक बच्चा है। यस, अगर हम कुछ बुरा करेंगे ही नहीं तो हमें दंड देने की आवश्यकता होगी नहीं। वेरी गुड, यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, आप हमारे दिल के बहुत करीब हो। देखो, आपके टीचर्स आपको प्रिपेयर करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप मानते हैं कि एक स्टेज पे आके बोलना एक बहुत बड़ी खासियत है, एक बहुत बड़ा टैलेंट है। और ये मैं चाहूंगी कि स्मार्ट वंडर स्कूल के हर बच्चे में होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग सब मिल करके, हमारे से लेकर के छोटे बच्चे तक, सबकी कोशिश यही होती है कि हम पार्टिसिपेट करें। पर आप सोच सकते हैं कि आपकी टीचर्स, आपके अध्यापक जनगण इसमें कितना योगदान देते हैं। तो अगर आपके अध्यापकगण ने कुछ कहा आपसे, आपके भले के लिए ही कहा, सही कह रहे हैं, आपके भले के लिए कहा कि नहीं? Yes, ma'am. So, आज आप ये सोच लीजिएगा कि क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चे यहाँ बैठे हैं और हमारी मेजर चंक ऑफ द स्कूल आप ही बच्चों से बनता है। अगर आप लोग ये सोच लेंगे और आप अपने जूनियर्स को ट्रेन करेंगे कि हमें ये काम करना ही नहीं है जहाँ हमारे अध्यापकगण हमें नाराज हों या हमें दंड दें, तो देख लीजिएगा आपको कभी ये सिचुएशन में आना ही नहीं पड़ेगा। तो प्रॉमिस करते हो कि आप लोग मिस्चिफ नहीं करोगे, शरारत नहीं करोगे और अपने जूनियर्स को भी ऐसे ही ट्रेन करोगे? गुड, दैट्स गुड। शुभ्रा मैम और आपकी टीम, खूबसूरत बातें, खूबसूरत टॉपिक्स, बहुत सोच समझ के आपने लिए हैं और इससे हर एक टॉपिक से बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई कंग्रेचु मैं सब प्रतियोगिताओं से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इतना खूबसूरती से अपना प्रदर्शन किया। मैम से
दरख्वास्त करूंगी कि वो परिणाम के बारे में सभी की शंकाओं का समाधान करें। मैं भी वही कहूँ कि जब कोई भी जज परिणाम घोषित करने के पहले कहता है कि हार और जीत तो हर एक प्रतियोगिता का हिस्सा होती है, लेकिन जो लोग नहीं भी जीते हैं उन्होंने हार नहीं माननी है और इससे भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ अगले साल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है और इस साल भी आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में अपना पूरा पूरा दमखम लगाकर हिस्सा लेना होगा। अब मैं फटाफट आपका रिजल्ट अनाउंस करती हूँ क्योंकि आपका ब्रेक का टाइम भी हो रहा है ना, मुझे पता है कि सबके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। सबसे पहले छोटी क्लास से ही शुरू करते हैं, कक्षा 6 से कमला वर्मा सिदार हाउस हैज कम फर्स्ट। मैं प्रिंसिपल से दरख्वास्त करती हूँ कि आकर यहाँ पे बच्चों को मेडल प्रदान करें। द्वितीय स्थान के हकदार हैं प्रवीण कौर 6C और तीसरा स्थान मिला है अगमजोत सिंह 6A। बहुत बहुत बधाई तीनों प्रतियोगियों को। कक्षा 7 में मैं नीचे से ऊपर रिजल्ट अनाउंस करती हूँ। हरलीन कौर सिदार हाउस थर्ड प्राइज, आशिमा शर्मा एस्पेन हाउस नंबर 2 पर है और प्रथम स्थान मिला है दिव्या पांडे। कक्षा 8 की बारी, तीसरा स्थान मिला है त्रिपत करण सिंह को दूसरा स्थान मिला है ऋषिक शर्मा को और प्रथम स्थान आयुषी शर्मा को। इनाम जीतने वाले सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई और जिनको इनाम नहीं मिला उनको मैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहना चाहूंगी और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बोला था। धन्यवाद मैम इनाम देने के लिए।